हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y20T के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट सेटिंग करनी है, आपके कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहे हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट शो करने हो तो कैसे करा सकते हैं, या आपको कॉन्टैक्ट अपने फ़ोन के अंदर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने हो तो कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर ले सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे लिए वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने कॉन्टैक्ट सेट करने के लिए सबसे पहले डायलर ओपन कर लेना है। कॉन्टैक्ट में आ जाएँ तो आप यहाँ से अपनी थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे, कॉन्टैक्ट सेटिंग में जाएंगे। जैसे आप अपनी कॉन्टैक्ट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है शो कॉन्टैक्ट विद नंबर्स ओनली, सिंपली इस पर इनेबल कर देंगे, आपके कॉन्टैक्ट विद नंबर के साथ शो होंगे। सॉर्ट बाय नेम, यहाँ से आपको सॉर्ट बाय नेम में फर्स्ट नेम मिल जाता है, लास्ट नेम जो आपको चाहिए तो हम फर्स्ट नेम पर रहने देते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाता है इम्पोर्ट फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, आपको स्टोरेज डिवाइस से जैसे सिम में करनी हो तो सिम में कर सकते हैं, या सिम में से आपको अगर सिम में से आपको फ़ोन में करनी है तो यहाँ आपको एक्सपोर्ट टू स्पोर्ट डिवाइस करना होगा, जिसमें आपकी सिम में से आपके नंबर फ़ोन में हो जाएंगे सारे। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी सारे सेलेक्ट करेंगे आपने, यहाँ से नहीं इस प्रकार से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट कर देंगे आपने। जैसे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ आ जाता है एक्सपोर्ट टू फाइल में, फाइल में आप किसी भी पेज में आपने ले जाकर सेव करा देंगे। यहाँ से आप इस प्रकार से आपने एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करा सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट आपको कॉपी करना है तो सिंपली इस पर जाएंगे और यहाँ से आपको कॉपी फ्रॉम इसमें से करना है, कॉपी फ्रॉम फ़ोन जिसमें से करना है, तो हम फ़ोन में से लेना हो तो आप फ़ोन में से यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है कॉन्टैक्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अगर सारे कॉन्टैक्ट आपके शो नहीं हो रहे तो आपके कॉन्टैक्ट मेल आईडी में हो तो सिंपली आप उस पर टिक कर दें, जैसे उस पर टिक नहीं हो, ऐसे जैसे इसमें आपके 19 कॉन्टैक्ट हैं इस पर टिक, अब आप तीनों पर टिक हैं सारे कॉन्टैक्ट आपके शो हो रहे होंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है मर्ज डुप्लीकेट, अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट बनाना है तो आप यहाँ से इन्हें डुप्लीकेट बना सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है सिम कार्ड कॉन्टैक्ट, सिम कार्ड कॉन्टैक्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं आपके सारे, यहाँ से आपको इन्हें एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं आप सारे कॉन्टैक्ट को जो भी करना है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉन्टैक्ट सेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।